हालेलुया, परमेश्वर के मीठे पवित्र नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं ज्योति रंधावा हाजिर हूँ आपके सामने परमेश्वर के नए वचन के साथ। हालेलुया, मेरा आज का वचन है प्रार्थना। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और हमें प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रार्थना मेरे सभी मसीह भाई बहनों, प्रार्थना एक मसीह जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण आधार है, या यूं कह लीजिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। वो मसीह मसीह ही नहीं जो प्रार्थना नहीं करता है। जब बोला जाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मसीह से बात करते हैं, हम खुदा से बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल की बातें सारी उसके सामने खोल करके रख देते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि प्रार्थना एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप दानों वरदानों को लेना चाहते हैं, अगर आप गैर भाषा को पाना चाहते हैं, तो वो बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। प्रार्थना कह लीजिए कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये सीधा सीधा जो अंधकार की शक्तियां हैं, या यूं कह लीजिए कि जो शैतान है, वो हमें सीधा सीधा नीचे गिराता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमें खुदा की नजरों में नीचे गिराता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। हम दुनिया के सामने भी अपने आप को बहुत छोटा सा फील करते हैं, और जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम दिन भर की सारी बातें परमेश्वर के सामने खोल करके रख देते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आता है। उसकी परछाई, उसके हाथ की परछाई हमारे ऊपर आती है, उसकी प्रेजेंस हमारे आगे आगे चलती है। बाइबल को खोल करके देखिए, जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, वो कितना शक्तिमान कह लीजिए या परमेश्वर का प्रिय भगत था, उसको कितने वरदानों से खुदा ने भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसने कभी खुदा को छोड़ा नहीं। फिर भी वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जितने भी नबी हुए, मूसा नबी को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, दानियल को देख लीजिए, एस्थर को देख लीजिए, सभी ने अपनी अपनी जीवन की बहुत सारी लड़ाइयां जो है प्रार्थना के द्वारा ही कंप्लीट की है। उनपे विजय प्राप्त की, उनको जीता प्रार्थनाओं के द्वारा। और मूसा ने प्रार्थनाओं के द्वारा हम इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल करके लेकर के आया। एक प्रार्थना के द्वारा ही हमारा जीवन जो है वो कंप्लीट है। दानियल के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जी को। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपनी सेवकाई करने से पहले प्रार्थना की, पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना की, खाना खाने से पहले प्रार्थना की, और जब वो पवित्र प्रभु भोज देते हैं तब भी प्रार्थना की। तो उन लोगों को प्रार्थना की जरूरत पड़ी थी, तो आपको और मुझे प्रार्थना की जरूरत क्यों नहीं है? जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम सीधे सीधे परमेश्वर से 3 चैलेंजेस करते हैं। एक, परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और तीसरा, मैं अपने स्पिरिचुअल फाइट जो है वो खुद से लड़ सकता हूँ। अब मैं इन तीनों को डिफाइन करती हूँ। पहला क्या है? परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा नहीं है। हमें जिसकी इच्छा होती है, हमें जिससे प्यार होता है ना, हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हम उसके पास जाते हैं, हम बात करते हैं, कभी फेस टू फेस, कभी फोन पर चैट, सब कुछ हम करते हैं। और अगर वो जरा सा हमसे रूठ जाता है तो हम 100 कोशिशें करते हैं उसको मनाने के लिए। तो परमेश्वर के साथ हम अपना कम्युनिकेशन गैप क्यों बना रहे हैं? सेकंड आ जाता है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मींस मेरे पास ये सब कुछ है कि मैं अपनी जरूरतों को खुद से फुलफिल कर सकता हूं। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे आपके सामने गिड़गिड़ाने की, आपके सामने हाथ जोड़ने की, घुटने टेकने की, फास्ट में जाने की मुझे कतई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरे मन में है, मैं अपनी इच्छाओं को खुद से पूरा कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है कि हमें जब किसी की जरूरत ही नहीं है तो हम उसके पास जाएंगे भी क्यों? तो ये हम डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं ना खुदा से कि आप मुझे, मेरे पास कोई राशन लिस्ट नहीं है, मेरे पास कोई अपने प्रेयर पॉइंट्स नहीं है, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एम आई राइट? थर्ड जो मैंने बात की थी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खुद अपनी स्पिरिचुअल
में फाइट खुद से लड़ सकता हूँ। वचन बोलता है कि हम हमारी जो लड़ाई है खून से नहीं है, मीन्स हमारी जो लड़ाई मैं आपको इजी करके बता रही हूँ, किसी भी किसी समुदाय से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी अलग मिशन से नहीं है, किसी के साथ नहीं है। इंसानी लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी लड़ाई क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी आत्मिक लड़ाई है। किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। तो हम चैलेंज करते हैं कि मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरे पे जो कुछ भी मेरे पे है, जो मेरी आत्मिक जिंदगी है, मैं उसको बढ़ाने के लिए खुद से ही लड़ सकता हूँ। चाहे मुझे गलत सपने आ रहे हैं, मेरे साथ सपनों में गलत हो रहा हो, मुझे कुछ भी फील हो रहा हो, चाहे मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हो, तो मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है मैं खुद से उसके साथ लड़ सकता हूँ। अंधकार की शक्तियों के साथ मैं खुद से लड़ सकता हूँ। ऑब्वियसली जब हमें जिस इंसान की जरूरत नहीं है, जिस इंसान के हमें इच्छा ही नहीं है, तो हम उसको यही बोलेंगे कि मैं अपना खुद से कर सकता हूं। मैं आपके साथ मेरे प्रिय भाई बहनों एक बात शेयर करती हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं रात को सो रही थी, तो मैंने रात को मैंने छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु आपका धन्यवाद है, आज का दिन दिखाया, रात भर दिन भर निगेबानी हिफाजत की, सब कुछ जो भी मेरा रूटीन में था, मैंने 2-5, 5-10 मिनट की प्रार्थना की और फिर मैं सो गई। और फिर मैंने मेरे फैमिली को भी नहीं पता है कि मैं मिडनाइट प्रेयर के लिए उठती हूँ। तो मैं आधी रात के लिए मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैंने कभी अलार्म भी नहीं लगाया है कि मेरे कारण मेरे फोन का जब अलार्म बजेगा तो मेरी दूसरी फैमिली मेंबर्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे। तो क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ, और उस दिन मैं बहुत थकी थी, बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि मैं सोती हूँ और मुझे एक सपना आता है कि मैं उस जगह पर हूँ, मैं सपने में ही सो करके उठी हूँ और पूरा ड्रेसअप होकर के बैठ गई हूँ, और एक छोटी लड़की मेरे पास आती है और मुझे वो दीदी वो मुझे बोलती है कि दीदी आप कब के उठे हो? तो मैं बोलती हूँ बेटा मुझे 1 घंटा हो गया उठे। तो बोलती प्रार्थना नहीं किया आपने? तो मैं बोलती नहीं अभी नहीं किया। तो वो मुझे क्या बोलती कि शेम ऑन यू। जब वो इतनी सी बात बोलती मैं तभी उठती हूँ, और तब टाइम क्या हो रहा होता है, 5 बजे होते हैं सुबह के, कहाँ मिडनाइट प्रेयर, कहाँ 12-12:30 बजे की प्रार्थना, कहाँ सुबह के 5 बज चुके हैं। तो ऐसे जब हमारा कम्युनिकेशन गैप खुदा के साथ आ जाता है, और अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, हमारे में डिटर्मिनेट है, हम खुदा के प्रति हमारे में डिटर्मिनेशन है कि प्रभु मैं आपका काम करूंगी, तो प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस सपने का ये मतलब है कि प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। अगर मैं उस रात प्रार्थना नहीं की, मिडनाइट प्रेयर नहीं कर पाई, तो प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे इस बात को जताया कि तूने प्रार्थना नहीं की, और सपने में आकर के उस छोटी बच्ची के द्वारा खुदा ने मेरे से बात की। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो डेज चल रहे हैं ना, ये लास्ट टाइम चल रहा है। सभी सुखों को त्याग करके, सभी दुनियावी चीजों को त्याग करके प्रार्थना में बने रहो। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। खुदा उसके गुनाहों को माफ करना, हो सके तो मेरे गुनाहों को भी माफ करना, और जब तू आए तो मुझे याद करना। मैं विश्वास करती हूँ ये प्रार्थना की जो आप जो बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर प्रार्थना करोगे और जरूर अपना रिलेशनशिप जो है गॉड के साथ एक अच्छा बनाओगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप, जैसे हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है, एक सीरियस वाला रिलेशनशिप, टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं कि हाँ टाइम पास है, चलो बोर हो रहे हैं तो 5 मिनट प्रे कर ली, बोर हो रहे हैं तो 1 बाइबल का चैप्टर पढ़ लिया, अब ज्यादा पढ़कर बोर हो गए तो ठप बाइबल बंद। सीरियस वाला रिलेशनशिप, जब आपकी आत्मा अगुवाई करे कि उठ प्रार्थना बैठ, तभी उठो। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जब उसकी आवाज को सुन तो अपना मन कठोर मत कर। मीन्स जब आपकी, अब ये नहीं है कि खुदा की जीसस की आवाज खुद से आएगी और जीसस आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि उठ प्रार्थना कर, नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी कि उठ प्रार्थना कर, उठ चर्च चल, उठ वर्शिप कर। जब उसकी आवाज को सुन तो अपना मन कठोर मत कर। जब भी आपके आपके हृदय में आवाज आए कि प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करो। हो सकता है आपको बहुत बार लगे कि नहीं बस 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 मैं और प्रार्थना नहीं कर सकता, 10 मिनट प्रार्थना होगी बहुत है, 15 मिनट होगी बहुत है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ मेरे भाई बहनों,
जब आपका मन ना करे बाइबल पढ़ने के लिए, तभी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, ये हमेशा याद रखना। और जब आप प्रार्थना, आपका मन ना करे प्रार्थना करने के लिए, तो तभी परमेश्वर आपको दानों वरदानों से भरना चाहता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है, खास करके आज के दिनों में। आज के दिनों में अपने गुनाहों को मानिए प्रार्थना में, आज के दिनों में प्रभु से ये सब कुछ मांगिए कि प्रभु हमें माफ कर, प्रभु अपनी आमद के दिन के लिए हमें तैयार कर, हम नाश नहीं होना चाहते, हमें अनंत जीवन दे। जैसे तेरा वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा, इंटरनल लाइफ पाएगा, अनंत जीवन। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपके सामने एक परमेश्वर के नए वचन के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।